नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। चूरू केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान आज केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मिलकर स्वच्छता का अभियान चलाया। नर्मदा देवी सोनी बस स्टैंड, जो काफी टाइम से गंदा पड़ा हुआ था, सफाई का अभाव यहाँ शुरू से ही नजर आता था। सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद यहां गंदगी का ढेर लगा रहता था। आज केंद्रीय विद्यालय के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं ने मिलकर सफाई की और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका भी मौजूद रही। स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार ये स्वच्छता अभियान कई दिनों तक चल रहा है और हम भी इस अभियान का हिस्सा बनते हुए हैं। इस अभियान को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर अध्यापक व अध्यापिकाओं ने छात्र छात्राओं के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए एक रैली भी निकाली। रैली में स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगाए गए। रैली निकालकर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश पूरे देश में दिया गया। ये जो सफाई अभियान चल रहा है, ये किस विषय को लेकर के सफाई अभियान चलाया जा रहा है? ये आज स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा है, इस उद्देश्य को लेकर केंद्रीय विद्यालय चूरू के विद्यार्थी और शिक्षक स्वच्छता केंद्र सम्मिलित होने के लिए आज नर्मदा बस स्टैंड चूरू को चुना है और उसमें काफ़ी समय से पूरे बस स्टैंड की साफ सफाई कर दी गई है और उन्होंने तन मन से इसको अपनाया है और एक मैसेज दिया है कि हम स्वच्छता रखें चारों तरफ, क्योंकि स्वच्छता है तभी हमारा स्वास्थ्य सही है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ओ आर चौधरी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय चूरू। अंतर्गत कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चे जो है साफ सफाई के लिए आए हैं केंद्रीय विद्यालय चूरू से, और लगभग एक घंटा हो चुका है बच्चे पूरे एरिया को साफ किया इन्होंने। काफ़ी देर से ये जो है पूरी साफ सफाई कर रही है, लगभग पूरा साफ हो चुका है और पूरा आज ही इसको साफ करके ही बच्चे जाएंगे, ये पूरा ये ठान कर आए थे और ये इसी के लिए ये रैली निकाली गई है। जी मैडम, आपका नाम? मैं श्रीमती नीतू, ईजीटी साइंस।